हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हमारे टकराव की बातें तो हो रही हैं, इनकी बातें नहीं होती जो टकरा रहे हैं। आजाद अदलिया की हिमायत करता हूं, ऐसी अदलिया की नहीं जो आमरों को हार पहनाए। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, कहा कोशिश है रेफरेंसेस की समाअत इलेक्शन से पहले खत्म हो। शरीफ खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं, ये सिर्फ लोगों की ख्वाहिशात है। आसिफ जरदारी किसी को खुश करने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। माजी में NRO भी परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान था। तमाम जमहूरी पार्टियों को एक उसूल पर इकट्ठा होना चाहिए, नवाज शरीफ का सियासी मुखालफिन को पैगाम। नवाज शरीफ वो दिन याद रखे जब जरदारी के साथ मुलाकात से इनकार किया था। मियां साहब बताएं किसको खुश करने के लिए ऐसा किया था, खुशी शाह का सवाल। कहा मियां साहब ये मुकाफात अमल है, एक बार जमहूरियत बचाने के लिए नवाज शरीफ को बचाया, अब किसी सूरत नहीं बचाएंगे। लेकिन ये क्या बस लेने के आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि 2018 इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला शेर दाड़ेगा भी और वाजिद ज़िया के 10 वॉल्यूम को फाड़ेगा भी। 2018 के इंतखाबात में शेर धाड़ेगा, इंतखाबात में शेर पैनामा GIT का वॉल्यूम 10 भी फाड़ेगा। कैप्टन सफदर रिटायर्ड का एहतसाब अदालत आमद पर जारहाना अंदाज, अदालत के बाहर लीगी सपोर्टर्स की सेल्फियां और नारेबाजी। मुझे ये इल्म है कि नवाज शरीफ के साथ भी ये पहली बार नहीं हुआ, और जो भी इस मुल्क को मजबूत करने की कोशिश करेगा, आइन की बालादस्ती की बात करेगा, उसको उसकी कीमत अदा करनी है, मुझे इतना इल्म। नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ, जो भी आइन की बालादस्ती के लिए बात करेगा इसका यही हाल होगा। ख्वाजा साद रफी की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को नारवा अंदाज में कटहरे में खड़ा किया गया। आप जो आज दाएं बाएं आगे पीछे चीखें सुन रहे हैं, ये भी नवाज शरीफ साहब की महरून मिन्नत बात है। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त भी सबर तहमुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया जब उनको सिसिलियन माफिया कहा गया। नवाज शरीफ मुल्क का असासा हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, नवाज शरीफ को इससे ज्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बायजा हमीद बोली नवाज शरीफ इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रायल शुरू होने के बाद सबूत ढूंढे जा रहे हैं। एक नहीं दो नहीं पूरी 26 गाड़ियां नवाज शरीफ की शहाना काफले के हमरा एहतसाब अदालत आमद और वापसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर लीगी रहनुमाओं की नारेबाजी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 1000 एहलकार तैनात रहे। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर, नवाज शरीफ इजलास के बाद लाहौर के लिए रवाना। कि नैब की जो नून लीग के साथ मोहब्बत है और जो एक आर्टिफिशियल एहतसाब मियां नवाज शरीफ का हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नैब टीम की मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत ढकी छुपी नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अलग अलग रवैया नैब टीम का दोहरा मयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद, पूछा शरीफ फैमिली का नाम ECL में क्यों नहीं डाला जा रहा, कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। चेयरमैन नैब से बंद केसेस पर नजरसानी की अपील भी कर दी। पंजाब में धुंध और स्मोक का हादसा का बाइस बनने लगे,
मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जा बहक, 40 से जायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे समेत कई इलाकों में हद निगाह सिफर, ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत, आवाम से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना की इकलौती साहबजादी टीना वाडिया न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गईं। वो 98 बरस की थी।